दोस्तों, मैं एडवोकेट ज्योति गुप्ता फ्रॉम सेंचुरी लॉ फर्म आज आप सभी के लिए एक ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे वीडियो लाई हूँ जिसे सुनने के बाद हो सकता है आपका सालों पुराना सिविल सूट में आप आसानी से जजमेंट ले पाए। चलिए शुरुआत करते हैं। ये कौन सा प्रोविजन है जो हमें शॉर्ट में जजमेंट दिला सकता है? ये जजमेंट ऑन एडमिशन प्रोविजन दिया गया है सीपीसी के अंडर ऑर्डर 12 रूल 6 के अंदर। एडमिशन क्या है? किसी भी बात को एडमिट कर लेना यानी मान लेना एडमिशन कहलाता है। ये किसी भी प्रकार से हो सकता है, चाहे रिटन या ओरल यानी लिखित या मौखिक रूप में। अब ये किसी भी स्टेज पे हो सकता है, केस की जरूरी नहीं है कि केस आपका शुरुआती तौर पे है या एंड में हो चुका है तो आपका एडमिशन नहीं माना जाएगा। एडमिशन किसी भी तौर पर हो, किसी भी टाइम हो, वो बिल्कुल वैलिड है और उसी वक्त आप जजमेंट ले सकते हैं, चाहे तो एप्लीकेशन लगाकर ऑर्डर 12 रूल 6 की या कोर्ट में ओरली रिक्वेस्ट कर। अब जान लेते हैं कि ये कौन से केसेस में होता है। चाहे केस आपका रिकवरी फॉर मनी हो या रिकवरी फॉर पोजेशन हो, किसी भी टाइप का सिविल केस हो, उसमें आपका एडमिशन के बेसिस पे आपको जजमेंट मिल सकती है। और सबसे जरूरी बात, ये ना केवल प्लेंटिफ के लिए बल्कि डिफेंडेंट के लिए भी सेम बेनिफिशियल है। इसमें या तो आपके प्लेन के एवज में जो रिटन स्टेटमेंट में है उसमें कोई बात एडमिट की गई है, या आपके रिटन स्टेटमेंट के अगेंस्ट जो रिजॉइंडर फाइल करता है प्लेंटिफ उसमें उसने कोई बात एडमिट की गई है, तो दो सभी प्रकार से आप उस एडमिशन के बेसिस पे जजमेंट ले सकते हैं। चलिए समझते हैं इसे एक एग्जांपल के थ्रू। ए ने बी को लोन दिया था फॉर 10 लाख रुपीज। तो अब ए अपनी प्लेंट में ये लिखता है कि मैंने बी को लोन दिया 10 लाख रुपीज के लिए। अब बी अपियर होता है। अब उसके पास तीन ऑप्शन है, या तो वो फुली एडमिट करेगा कि हाँ मुझे लोन मिला था, मैंने लोन लिया था, और अपना कोई भी अदर रीजन दे देगा, या वो पार्टली डिनाई करता है कि हाँ मैंने 5 लाख का लोन लिया था बट 5 लाख का नहीं लिया, और थर्ड कंडीशन कि वो स्पेसिफिकली डिनाई करता है कि मैंने कोई लोन नहीं लिया, ये सब झूठ है। तो इन तीनों ही कंडीशन में मैं आपको बताती हूँ कि एडमिशन किस बेसिस पर है। फर्स्ट में अगर वो एडमिट करता है कि हाँ मैंने फुल 10 लाख का लोन लिया है, तो इसमें ऑन द बेसिस ऑफ द एडमिशन यानी उसके मान लेने से, जैसे ही वो एडमिट कर लेता है कि मैंने 10 लाख का लोन लिया है, तो ऑन द स्पॉट आपको जजमेंट मिल सकती है। आप जजमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं थ्रू दिस एप्लीकेशन, और या तो फिर आप ओरली रिक्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर जज अपनी मर्जी से खुद इसके बिहाफ पे आपको जजमेंट दे सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन में क्योंकि वो पार्टली एडमिट कर रहा है, तो इस पार्टली एडमिशन पे भी आपको 5 लाख रुपीज के बेसिस पे आपको जजमेंट मिल सकती है, डिक्री मिल सकती है, या फिर कोर्ट उसको ये ऑर्डर कर सकती है कि आप रेस्ट जो अमाउंट जो आप एडमिट कर रहे हैं 5 लाख रुपीज, उसको एज अ सिक्योरिटी कोर्ट में जमा कर दें। तो इसमें आप ये मान लीजिए कि आपका जितना भी एडमिशन है वो अमाउंट आपका सेफ हो ही गया। अब थर्ड केस में जहां वो फुली डिनाई कर रहा है कि नहीं, स्पेसिफिकली डिनाई कर रहा है कि कोई ऐसा नहीं है, उसमें आपका केस मेरिट के बिहाफ पे चलेगा जैसे एक नॉर्मल केस चलता है। आइए समझते हैं एक और एग्जांपल के तहत। जैसे एक लैंडलॉर्ड एक टेनेंट, अब लैंडलॉर्ड अपने टेनेंट के अगेंस्ट एक एविक्शन सूट फाइल करता है, यानी एक मकान मालिक अपने किराएदार से मकान खाली कराने का सूट डालता है, साथ के साथ ही मेसने प्रॉफिट यानी कि बकाया किराया वगैरह इन सब चीजों का भी सूट डालता है। तो इसमें जैसे ही किराएदार अपियर होता है और ये मान लेता है कि हाँ मैं किराएदार हूं लेकिन ये रीजंस है, मैं खाली नहीं कर सकता या कुछ भी है, या ये इतना मेरा किराया नहीं बनता फॉर मेसने प्रॉफिट, तो इस केस में जैसे ही वो एक एडमिट कर लेता है कि हाँ मैं किराएदार हूं, उसी स्टेज पे उसके इस एडमिशन पे उसका एविक्शन सूट जो है उसमें जो लैंडलॉर्ड है उसको जजमेंट मिल जाएगी कि ठीक है तुमने ये एडमिट किया, तुम किराएदार हो, तो तुम पहले मकान खाली करो, बाकी जो फॉर मेसने प्रॉफिट्स या जो बाकी एरियर्स ऑफ रेंट है उसका केस मेरिट के बेस पे आगे चलता रहेगा, जो एविक्शन सूट है वो वही एंड हो जाएगा ताकि आगे और एरियर्स ऑफ रेंट्स ना बढ़े। तो इसी तरह दोस्तों, हमने आज जान लिया कि कैसे एडमिशन के बेसिस पे
आप जजमेंट ले सकते हैं, आप चाहे खुद एप्लीकेशन लगाएंगे या ओरल रिक्वेस्ट करेंगे, या जज खुद भी अपने आप से आपको ये जजमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। इसमें अब दोनों टाइप्स हो गए, पार्टली भी होलली भी। हमने दोनों समझ लिया कि अगर पार्ट जजमेंट, पार्ट एडमिशन है या फुली एडमिशन है या डिनायल है। इसमें सबसे स्पेसिफिक बात यह है कि अगर आप कभी भी डिनायल करें तो स्पेसिफिकली डिनाय करें। अगर आप कुछ भी एडमिट कर लेंगे, चाहे ओरली या फिर रिटर्न में, तो उसे एडमिशन माना जाएगा और आपके अगेंस्ट जजमेंट या डिक्री अदर पार्टी ले सकती है। ऐसी ही अदर लीगल अवेयरनेस वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें अदर सोशल मीडिया पे फॉलो करें। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और थैंक्स फॉर वॉचिंग।